अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म इंडस्ट्री में आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पर पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। 10 जनवरी 1974 को जन्मे ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन और दादा रोशन पहले से ही इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना चुके थे। दादा संगीतकार थे तो पिता ने एक्टर के तौर पर अपनी शुरुआत की, पर कामयाब हुए एक डायरेक्टर के रूप में। ऋतिक के अंकल राजेश रोशन एक बेहद ही कामयाब संगीतकार हैं। ऐसे में ऋतिक रोशन को अभिनय विरासत के रूप में मिली थी। बात अगर ऋतिक रोशन की करें तो ऋतिक बचपन से ही बाल कलाकार के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन ऋतिक बचपन में एक बेहद ही मुश्किल बीमारी से पीड़ित थे। ऋतिक को हकलाने की बीमारी थी। ऐसे में ऋतिक संवाद सही से बोल नहीं पाते थे और अपने डायलॉग भी भूल जाते थे। ऋतिक रोशन के हकलाने की वजह से उनका आगे चलकर हीरो बनने का ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आ रहा था, पर ऋतिक रोशन ने हार नहीं मानी। इस बीमारी का इलाज करवाया, साथ ही स्पीच थेरेपी भी शुरू की। ऋतिक की मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे ऋतिक ने हकलाने की आदत पर काबू पा लिया। कहते हैं आज भी ऋतिक स्पीच थेरेपी का उपयोग करते हैं। ऋतिक रोशन की इस बीमारी को दूर करने में उनके परिवार ने भी खूब मदद की। ऋतिक रोशन ने बचपन में आशा, आपके दीवाने, भगवान दादा जैसी फिल्मों में काम किया है और कहो ना प्यार से उन्होंने बतौर हीरो अपने आप को इस बॉलीवुड में स्थापित किया। आज आलम यह है कि ऋतिक रोशन बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश और हैंडसम कलाकारों में से एक हैं।